ओडिशा के बालासोर में सुबह से समंदर की लहरें उफान मार रही थी। समंदर का पानी घरों से लेकर तट के किनारे बसी जगहों पर चोट कर रहा था। तूफान धीरे धीरे बालासोर की तरफ बढ़ता चला रहा था और उधर समंदर का पानी उबाल मार रहा था। हमारी सहयोगी कमलजीत संधु भी यहां समंदर के किनारे मौजूद थी और उनका कैमरा लगातार तूफान के पहले के उफान को कैद करता रहा। तेज हवाएं चल रही हैं, 140 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये हवाएं हैं और टाइडल वेव्स है, अब 10 फीट ऊंची है, तो हवा का जो रुख है वो काफी तेज हो चुका है, रफ्तार हो चुका है। आप बता दें, यहाँ पे अगर आपको दूसरी तरफ दिखाए, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए जिस तरह से टिप रूफ है ये उड़ रही है। कुछ लोग बाहर आए हैं इस तरफ देखने के लिए, जो आसपास के लोग हैं, और उससे पहले आपको बता दें पानी भर चुका है नीचे की तरफ भी। ये पानी की जो लपटे हैं, जो लहरें हैं, वो ऊंची ऊंची आ रही है। साइक्लोन यास ने अपनी दस्तक दे दी यहाँ पे कि पानी ऊपर तक आ रहा है, 10 फीट ऊपर तक आ रहा है पानी, तो खतरे की घंटी बज चुकी है। लोगों को एहतियात के तौर पे पीछे जाने के लिए बोला है। ओडिशा के धामरा में टकराने से पहले तूफान का ट्रेलर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। समंदर की बेकाबू लहरों के बीच एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन बेकाबू पानी देखते देखते घरों तक में घुस गया। ओडिशा तट के धामरा पोस्ट पर पहले चोट और फिर तूफान, आगे बढ़ते हुए उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पारादीप और सागर द्वीपों के बीच पार करेगा। इस दौरान तूफान की गति बेहद खतरनाक बनी रहेगी। जिन जगहों पर तूफान का खासा असर पड़ने वाला है वो है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, साथ ही आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार और झारखंड में भारी बारिश की आशंका है। जो हमारा उड़ीसा जो है, उत्तर उड़ीसा और उत्तर कोस्टल उड़ीसा, वो हैवी रेनफॉल स्ट्रॉन्ग विंड जारी है, लेकिन ये जो सिस्टम है ना, ये धीरे धीरे जो है झारखंड में प्रवेश करेगा, तो इसीलिए झारखंड जो है आज नाइट से स्ट्रांग विंड जो है 80 से 100 किलोमीटर, इवन हमारा जो आभ्यंतरीण जो अंदर इलाका है उड़ीसा झारखंड से लगा हुआ है, वो भी यही वेदर होगा, सीवियर वेदर। वैज्ञानिकों ने यास को वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में रखा है। ये अलर्ट बालासोर में समंदर की ताकत से देखा जा सकता है और अगले 2 दिन तक भारी बारिश कई राज्यों में बताएगी कि यास कितना ताकतवर है। आज तक ब्यूरो। यास तूफान ने ओडिशा में भारी तबाही का उफान ला दिया, लेकिन असर अभी दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा। बंगाल से लेकर बिहार, झारखंड और दक्षिण के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक आरके जेनामनी से हमारे सहयोगी ने बातचीत की। चक्रवात यास ने लैंडफॉल किया है ओडिशा के कई इलाकों में, उसकी वजह से अभी भी प्रभाव है, लेकिन ये सिर्फ उड़ीसा तक सीमित नहीं है, आगे भी जारी रहेगा। आरके जेनामनी जी सीनियर वैज्ञानिक हैं भारतीय मौसम विभाग के, क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्या कुछ बता सकते हैं आगे की? देखिए, आज जो है यास जो वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है बालेश्वर का दक्षिण में जो है क्लोज टू बालेश्वर अभी लैंडफॉल कर रहा है, ठीक है ना, 8:30 से शुरू हुआ है। तो जो हमारा उड़ीसा जो है, उत्तर उड़ीसा और उत्तर कोस्टल उड़ीसा, वो हैवी रेनफॉल स्ट्रांग विंड जारी है, लेकिन ये जो सिस्टम है ना, ये धीरे धीरे जो है झारखंड में प्रवेश करेगा, तो इसीलिए झारखंड जो है आज नाइट से स्ट्रांग विंड जो है 80 से 100 किलोमीटर, इवन हमारा जो आभ्यंतरीण जो अंदर इलाका है उड़ीसा झारखंड से लगा हुआ है, वो भी यही वेदर होगा, सीवियर वेदर, अभी आज इवनिंग या नाइट से कल इवनिंग तक। झारखंड में हम लोग रेड कलर वार्निंग जारी किया है आज और कल के लिए, और रेनफॉल 20-30 सेंटीमीटर रहेगा झारखंड में 1 या 2 जगह पर, रांची, जमशेदपुर, और धीरे धीरे ये सिस्टम जो है हमारा जो दक्षिण बिहार है और जो दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश है, जो जिले हैं, और जो ऑल्सो जो है ना 27 और 28 नाइट और 28 के दिन में हमारा पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार में ये सिस्टम जाके वीक होगा। तो आपको सभी को मालूम है कि हिमालय में क्या होता है, कि जब हिमालय में धक्का होता है सिस्टम का तो बारिश गिरता है, तो इसलिए यहाँ जो है हवा का गति कम रहे लेकिन बारिश का जो इंटेंसिटी है बहुत ज्यादा रहेगा बिहार और पूर्व उत्तर प्रदेश। अच्छा, जो रिपोर्ट आ रही है उड़ीसा से, क्योंकि लैंडफॉल हो चुका है, तो जो रफ्तार है हवा की,
क्या जितना आपने अनुमान लगाया था उसके तुलना में कम है या उतनी ही है? और दूसरी बात, बारिश क्या ज्यादा, बारिश का असर ज्यादा है हवा की से के बनिस्पत? देखिए, ये मानसून के साथ साथ ये सिस्टम जो है ना बना हुआ है, तो बारिश का तो आकलन जो था कि 20 से 30 सेंटीमीटर, वो तो बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। अभी हवा का जैसे आपको मालूम होगा कि साइक्लोन में क्या होता है ना कि जो विंड स्पीड है, वो जो रिकॉर्डिंग स्टेशन है, अभी हमारे पास डाटा आया नहीं है, लेकिन अभी तक जो आया है 80 से 100 किलोमीटर तक गया है स्पीड। अभी आगे भी अभी लैंडफॉल जस्ट कर रहा है वो। अभी हम लोग जो है ना विंड का एग्जैक्ट जो कितना हाईएस्ट गया या एस्टिमेट जो करेंगे सैटेलाइट रडार सरफेस, वो 2-3 घंटे में हमारा जो बुलेटिन है उसमें आवरली हम मेंशन करेंगे।